दर्शकों, मैं लव पालीवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सम्मोहन की दुनिया, रहस्यों की दुनिया पर बेस्ड हमारी स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजना जी, जो कि ब्लड प्रेशर की शिकार हैं। मैं रंजना केयर वर्ल्ड के इस प्रोग्राम में अपनी मर्जी से हिस्सा ले रही हूँ। दोस्तों, शरीर से संबंधित छोटी मोटी बातों को जब हम लोग नज़रअंदाज करते हैं तो आगे जाकर वो बड़ी घातक बीमारियों का रूप ले लेती है। ऐसी एक घातक बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर। जैसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियों से हिप्नोथेरेपी के जरिए किस तरह से निपटा जा सकता है, ये हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट द फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर रूपा। रंजना बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल मेडिसिन लेती हूँ। आपको लो बीपी है आपने बताया? लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। आप मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए, बचपन के बारे में। आप जब छोटे थे, 5 से 10 साल के बारे में, कि आप कैसे थे, आपका स्वभाव कैसा था, घर में एनवायरमेंट कैसा था, या माँ बाप का आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या था, जो भी आप अच्छे से अपने को बता सके कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, इमोशनल एक्सपीरियंस क्या था आपके बचपन के बारे में, वो मुझे बताइए। वैसे मेरा बचपन तो ठीक था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डांटते थे। थोड़ा भी गलती कुछ हो गया तो बहुत डांटे, यहाँ तक मैं मार भी खाई हूँ बहुत बचपन में। बहुत तो उनका स्ट्रिक्ट थे? हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी मम्मी अच्छी थी, लेकिन पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट। तो उसका डर था आपको? हाँ, डर तो लगता था। फिजिकल मारा बहुत है? हाँ। तो उसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत आया है? हाँ, गुस्सा भी आता था। पर वो आप व्यक्त कर पाए हैं? नहीं, व्यक्त नहीं कर पाए। आज तक भी आपको पापा के ऊपर गुस्सा है? हाँ है, मन में बहुत गुस्सा है। अगर सपोज आप बचपन की बातें याद कर लें तो आपको याद आ जाता है। अभी आपके फादर अलाइव हैं? नहीं है, पर फिर भी आपको गुस्सा है। और मम्मी अलाइव हैं आपकी? है, मम्मी अलाइव है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपका जो बचपन का, जो आप छोटे थे तभी आपने बहुत जो मार खाई है और जो गुस्सा है जो आप व्यक्त नहीं कर पाए, आप अपनी मदर को भी बता पाए थे जो आपको गुस्सा था है वो? नहीं, वो नहीं बताया, वो मन में रह गई है और आज तक आप वो व्यक्त नहीं कर पाए। आप तो ये जो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होता है ना, एग्जैक्टली वो जो प्रॉब्लम आपके मन से रिलेटेड है, जो आपकी भावना जो है, गुस्सा जो दब गया है मन में, गुस्से की भावना पापा के लिए जो है वो दब गई है, इसकी वजह से वो आगे जाके ब्लड प्रेशर के रूप में कन्वर्ट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको हिप्नोथेरेपी का सेशन दूंगी। ये शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आपका जो ये बचपन का जो इश्यू है, फादर के तरफ आपको एंगर है, जो गुस्सा बहुत दबा हुआ है और उसकी वजह से आप बहुत अग्रेसिव हो गए, ये जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये गुस्सा निकालने के लिए आपके फादर को आपको माफ़ करना पड़ेगा। आपके फादर अलाइव नहीं हैं, तो मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपके फादर को आप खुद के ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उन्हें माफ़ कीजिए, बिकॉज फॉरगिवनेस इज़ फॉर यू नॉट फॉर हिम, तो आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं क्या? अभी तो मेरे फादर है नहीं, तो अभी क्या गुस्सा मन में रख के क्या करूँ? क्या फ़ायदा है, एटलीस्ट आप वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आप विलिंग है तो आप बहुत आसानी से उनको माफ़ कर पाएंगे। तो हिप्नोथेरेपी में आपका ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और आपका फॉरगिवनेस का भी कराएंगे, ठीक है। हमने जाना कि रंजना की जिंदगी में ब्लड प्रेशर के कारण कितनी दिक्कतें हैं, अब डॉक्टर रूपा हिप्नोथेरेपी के जरिए उन्हें क्या समाधान बता रही हैं, आइए देखते हैं। रंजना, आपको पहले फोकस करना है यहाँ, ये देखिए येलो जो कलर है उसका टिप है, वहाँ पे आपको सिर्फ देखना है, स्टेयर कीजिए एक पॉइंट पे, बिल्कुल हिलना नहीं है उसमें, बीच में जो है वो बिल्कुल अब हिलना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है, एक जगह पे आपको स्टेयर करते रहना है। और अब मैं एक बोलूँगी तो आपको आँख बंद कर देनी है और मेरे 2 नंबर पे आपको अपनी आँख खोलनी है। जब आप खोलेंगे तो उसी पॉइंट पे आप स्टेयर करेंगे, 1 close 2 1 2 2 ओपन, 1 close 1 2 2 2 1 close। स्ट्रेट देखिए, आंखें बंद रखिए, सर को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और सांस पे ध्यान दीजिए, शरीर को पूरा लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। धीरे से अपने चेयर के दोनों ही हैंडल को आप खोल लीजिए,
धीरे से लेट जाइए. जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिपीट इन योर माइंड. शब्द को मन में रिपीट कीजिए और अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए. जैसे आप हवा में फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं और आपको बहुत हल्का लग रहा है, वैसे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग यू आर गेटिंग रिलैक्स. रिलैक्स यू बिकम, डीपर यू गो, डीपर यू गो, रिलैक्स यू बिकम. अब मैं 10 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करूँगी. आप अपने आप को देखेंगे, आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो गए हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You are very deep and deep. अब मैं चाहती हूँ आप मन में इमेजिन कीजिए कि आप 10 से 12 साल के हैं. अब आप देखिए कि आप आपके घर में हैं. जब आप छोटे थे जो घर था उसमें हैं आप. विजुलाइज एंड इमेजिन, कल्पना कीजिए. अब आप देखिए कि आप एक कमरे में हैं और आपके फादर जो पापा हैं वो कमरे के अंदर आ रहे हैं. अब मैं चाहती हूँ आप देखिए कि वो आपके सामने खड़े हैं, उनकी आंखों में देखिए और उनका हाथ पकड़िए और उनको बोलिए, मैं आपको माफ़ करती हूँ. आई फॉरगिव यू माई फादर. अब आप देखिए जैसे ही आपने ये बोला, आपके फादर पापा आपको गले से लगा रहे हैं और देखिए आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है. आपको अपने पापा का प्यार मिल रहा है. जो आप बरसों से चाहती थी वो प्यार आपको आज मिल रहा है. ये बहुत बड़ा रिलीज है आपके लिए, माइंड में से और सोल में से बहुत बड़ा रिलीज है. निकलने दीजिए. पूरी तरह देखिए कि एक फादर अपनी बेटी को किस तरह प्यार कर रहा है. अब मैं चाहती हूँ आप मन से कल्पना कीजिए कि आप आपके घर में हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है. आप अपनी ऑफिस जा रहे हैं, अपने बच्चे को संभाल रहे हैं. एवरीथिंग इज़ फाइन एंड योर ब्लड प्रेशर इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. कल्पना कीजिए कि आप ब्लड प्रेशर चेक करा रही हैं और डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है. टेक योर टाइम और ये कल्पना को पूरी तरह मन में उतारिए. मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है. मैं हमेशा खुश रहती हूँ. अब आपको सांस के ऊपर ध्यान देना है और बिल्कुल सो जाना है, सो दैट जो भी आपने कल्पना की है और मन में सोचा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड जस्ट स्लीप. अब मैं 0 से 5 तक काउंट करूँगी और आपको धीरे से उठाऊँगी. बहुत ही 5 सुनने के बाद बहुत ही धीरे से आपको आँख खोलनी है. 0, 1, 2, 3, 4, and 5. वेरी स्लोली ओपन योर आइज. जब आपका फादर और आपके साथ आपने मिलाप किया कैसा फीलिंग आया आपको? बहुत अच्छा लगा.
बहुत अच्छा लगा. यही आप चाहती थी, यही चाहती थी. फादर से प्यार और मिला आपको, पूरी तरह आपने माफ कर दिया है ना. धीरे से आपको उठना है, बहुत ही धीरे से. अर्चना जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है. हल्का लग रहा है ना? बहुत, बिल्कुल. आपको ऐसा लगा आपके बचपन में चली गई? हाँ, मैं बिल्कुल बचपन में चली गई थी. क्या फीलिंग थी आपकी जब आपने फादर को माफ कर दिया और फादर ने आपको प्यार दिया तब? बहुत अच्छा महसूस कर रही थी. बहुत हल्का लग रहा है ना. ये जो आपका ब्लड प्रेशर का जो कारण था वो हमने रिलीज किया कर दिया है. इसके बाद जो आपका जो है ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आएगा. आपका काम है सिर्फ आपको मन में रिपीट करते रहना है कि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है. उठते बैठते आपको ये करना है, ठीक है? और आपको मेडिटेशन अगर हो सके तो जस्ट 20 मिनट आप रोज मेडिटेशन करिए. आँख बंद करके आप सांस पे ध्यान दीजिए, शांतता में. कुछ और नहीं करना है, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है. विचार आ रहे हैं जाने दीजिए, आप सिर्फ एक जगह बैठे रहिए रिलैक्स पोजिशन में, बस और कुछ नहीं करना है. ये चीज़ आप करेंगे नेक्स्ट 30 डेज तक तो आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कम्प्लीटली चला जाएगा, ठीक है रजना जी? थैंक यू वेरी मच. आपको भी अपना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो आपको अपने इमोशनल इश्यू फाइंड आउट करने हैं और उसको रिलीज़ करने हैं. आप अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ आप एक और थेरेपी ले सकते हैं, हिप्नोथेरेपी, और अपना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू रंजना को तो अपनी समस्या का समाधान मिल गया. चलिए दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा. फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में और हम और आप मिलकर सुलझाएंगे कुछ और अनसुलझे रहस्य. जब तक अपना ध्यान रखें, हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. टेक केयर. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.